दोस्तों किसको अच्छा नहीं लगता कि अपने पास एक मस्त सा ईयरबड हो और उससे हम जो है गाना सुने। तो आज के इस वीडियो में ऐसे ही बेस्ट बजट फ्रेंडली ईयरबड्स को अनबॉक्स करेंगे। भाई लोग, हमारा जो फर्स्ट ईयरबड है ये डीजो की तरफ से आने वाला डीजो बर्ड सेड प्रो। भाई साहब, इसकी प्राइस जो है वो लगभग आपको 1500 से 2000 के आसपास मिल जाएगी, बट इसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। उसके साथ इसका डिजाइन भी काफी ज्यादा मिनिमलिस्टिक है, काफी ज्यादा छोटा सा ईयरबड है, तो आप मस्त से आपके पॉकेट में वगैरह रख सकते हो। टाइप सी का पोर्ट आपको मिलता है, अंदर से देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। एक पूरा प्रीमियम वाइब आपको यहाँ पे आएगा। सबसे बेस्ट पार्ट इसका यह है कि इसमें आपको 10mm के ड्राइवर्स मिलते हैं, बट भाई साहब इसकी जो क्वालिटी है वो अल्टीमेट है। जो सॉन्ग सुनते हो उसमें बेस आपको प्रॉपर एंड पंची मिलेगा, आपको बीट्स काफी मस्त मिलते हैं, एंड इवन अगर आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक कुछ सुन रहे हो, भाई साहब एक एक इंस्ट्रूमेंट आपको काफी अच्छी तरीके से वहां पे सुनाई देगा। आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि भाई क्या क्या चल रहा है, क्या क्या मस्त तरीके से, एंड मिड्स एंड राइज जो है वो भी अच्छी तरीके से मैनेज किए गए, एंड एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन की वजह से आपको बाहर का आवाज बहुत ही कम आता है, तो आपको एक सराउंड साउंड सिस्टम पूरा मिलता है, एंड उसकी वजह से इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा बढ़िया है। बाकी सब वो IPX5 सर्टिफिकेशन वगैरह वो तो आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, एंड इसकी प्राइस जैसे मैंने बताया आपको 1500 से 2000 के आसपास मिलेगा अगर आप सेल में इसको परचेस करोगे तो। इसका कंफर्ट भी काफी ज्यादा खतरनाक है, कान में जैसे ही डालोगे अच्छी तरीके से फिट हो जाते हैं, तो आप जिम के लिए या फिर रनिंग के लिए भी इसको यूज कर पाओगे, एंड 25 आवर्स के आपको बैटरी बैकअप भी मिलता है। दोस्तों जो जो ईयरबड्स आज हम देखने वाले, हर एक ईयरबड में कुछ ना कुछ तो अलग है, कुछ ना कुछ तो बेस्ट है, तो वैसे ही हमारा जो सेकंड बड़े ये नॉइज की तरफ से आने वाला नॉइज VS-102 ईयरबड काफी ज्यादा फेमस है। लगभग एक साल पहले ये रिलीज हुआ था, बट अभी तक इसकी पॉपुलैरिटी अभी की अभी है, क्योंकि दिखने में तो सादा सा लग रहा होगा लेकिन इसकी म्यूजिक क्वालिटी भाई साहब काफी ज्यादा मस्त है। उसके पहले इसकी प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, मैंने इसको 999 रुपीज में परचेस किया था फ्लिपकार्ट से, बट अभी भी ये काफी ज्यादा मस्त तरीके से चल रहा है। एक ही यहाँ पे दिक्कत आती है, वो है थोड़े से स्क्रैचेस इसके ऊपर आसानी से आ जाते हैं। यहाँ पे आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिलेगा, एंड इसकी बात करें तो भाई साहब काफी ज्यादा छोटे है, लाइट वेट है, एंड ये भी काफी ज्यादा पोर्टेबल है, आप आराम से कहीं पे भी इसको ले जा सकते हो। 11mm के आपको ड्राइवर्स मिलते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा बेस आपको बढ़िया यहाँ पे मिलेगा, बीट्स वगैरह काफी अच्छे है, इवन आप गेमिंग के लिए भी इसको यूज कर सकते हो। ये कोई गेमिंग ईयरबड्स नहीं है, बट जो बेस वगैरह ये प्रोवाइड करता है तो उसके वजह से आप गेमिंग भी काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पे कर पाओगे। उसके साथ साथ IPX5 सर्टिफिकेशन मिल जाता है, तो वाटरप्रूफ वगैरह हो जाता है, लेकिन एक ही यहाँ पे बुरी बात है कि थोड़ा सा बैटरी बैकअप इसका कम है, आपको 14 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, जो कि मुझे पर्सनली थोड़ा सा कम लगा। एक बार चार्ज करोगे तो 14 आवर्स तक आप नॉनस्टॉप इसको यूज़ कर पाओगे, तो आपके हिसाब से आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। भाई साहब, ये जो अगला हमारा ईयरबड है ये क्वालिटी में सबका बाप है, की बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा खतरनाक है। इसका रीजन मैं बता देता हूं, ये लगभग मैं एक साल से यूज कर रहा हूं, अब तक 4-5-6 बार आप बोल सकते हो ये गिर चुका है, यहाँ पे आप स्क्रैचेस भी देख सकते हो, लेकिन अभी भी ये पूरा का पूरा इंटैक्ट है, अभी तक ये ईयरबड काफी अच्छे तरीके से चल रहे हैं। तो भाई बिल्ड क्वालिटी अगर आपको चाहिए तो ये आप बिंदास ले सकते हो यहाँ पे। भारी मिस्टेक हो गया सर। टाइप सी चार्जिंग पोर्ट आपको मिलता है, अंदर देखोगे तो ये पूरा कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा, एक पूरा गेमिंग वाइब आपको इसके अंदर मिलेगा। ईयरबड थोड़े से बड़े है, अंदर आप जैसे डालोगे तो आपके ईयर के हिसाब से आप बोल सकते हो, मुझे तो काफ़ी अच्छे तरीके से फिट हो जाते हैं, सेंसर्स वगैरह काफ़ी मस्त तरीके से काम करते हैं, एंड ये एक गेमिंग ईयरबड है तो उसके वजह से आपको 40 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी मिलते हैं। भाई साहब गेम दबा के खेल सकते हो मस्त तरीके से, आपको बहुत ही कम लेटेंसी मिलेगी, आपको फील भी नहीं होगा। तो स्पेसिफिकली अगर आप कोई गेमिंग वगैरह बहुत ज़्यादा करते हो तो भाई साहब इसको प्रेफर कर सकते हो, ये आपको मस्त मज़े देगा। आपको यहाँ पर 12mm के ड्राइवर्स मिलेंगे, सॉन्ग्स वगैरह काफी बढ़िया तरीके से सुन पाओगे, बेस वगैरह काफी अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ ये गेमिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेबल है, सॉन्ग्स वगैरह भी सुन सकते हो, मूवीज़ वगैरह भी मस्त तरीके से एंजॉय कर पाओगे, उसमें कोई भी इश्यू नहीं है, एंड उसके साथ साथ IPX5 सर्टिफिकेशन भी मिलता है, ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट मिलता है, तो भाई साहब फटाक से आपके स्मार्टफोन के साथ भी कनेक्ट हो जाता है। लगभग आपको 1000 to 1100 रुपीज़ के आसपास मिल जाएगा अमेजोन के ऊपर। तो भाई लोग, ये है हमारा फर्स्ट ईयरबड जो कि पीट्रॉन की तरफ से आने वाला पीट्रॉन बेज बर्ड फ्यूट।
नाम इसका काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उसके साथ साथ इसका डिजाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप देख सकते हो काफी फ्यूचरिस्टिक दिखता है। जो जो अभी हम अनबॉक्स करने वाले हैं उसमें से सबसे बेस्ट डिजाइन इसका है। ऊपर का पूरा पार्ट आपको ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा होगा, अंदर के ईयरबड्स एक्चुअली आप देख सकते हो। यहाँ पे टाइप सी का पोर्ट आपको मिलेगा, पिट्रॉन की ब्रांडिंग मिलेगी। एंड एक ही दिक्कत मुझे यहाँ पे ये लगी कि ये जो ईयरबड्स आपको मिलते हैं काफी ज्यादा छोटे, लाइट वेट है, लगभग 3.7 ग्राम के साथ एक ईयरबड आता है। मतलब ऐसे आप देख सकते हो कान के अंदर काफी अच्छी तरीके से फिट नहीं हो पाते। यही एक इसकी मेजर डिसअपॉइंटमेंट मुझे लगी, क्योंकि यहाँ पे आपको रबर पैड्स नहीं मिलते तो अच्छे से ये अंदर तक नहीं घुस पाएगा, तो उसके वजह से थोड़ा सा आपको तकलीफ होगा जब आप रनिंग वगैरह करोगे। और उसके साथ इसमें आपको 13mm के ड्राइवर्स मिलते हैं, लेकिन इसकी प्राइस अगर हम ध्यान में रखें तो उस हिसाब से जो है इसकी म्यूजिक क्वालिटी काफी अच्छी है। बेस वगैरह आपको ठीक ठाक मिलता है, आपको यहाँ पे आप गाने वगैरह मस्त से सुन सकते हो। ट्रेबल्स एंड मिड्स काफी अच्छे तरीके से मैनेज किए गए, तो आपको इतना बुरा एक्सपीरियंस नहीं आएगा। अगर आपका बजट रिस्ट्रिक्शन में है, आप 1000 के ऊपर नहीं जा सकते, तो भाई साहब ये आपके लिए एकदम बेस्ट चॉइस हो सकते हैं। लगभग 25 आवर्स की यहाँ पे बैटरी बैकअप आपको मिलते हैं, तो उसकी वजह से नॉनस्टॉप म्यूजिक एंड गेम्स वगैरह आप खेल सकते हो। 799 रुपीज के लिए ये बेस्ट है भाई लोग। ये जो फिफ्थ ईयरबड है ये पिट्रॉन की तरफ से आने वाला पिट्रॉन बेस बर्ड्स रश, इसका नाम भी इंटरेस्टिंग है और ये भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जैसे ही खोलोगे भाई साहब आरजीबी लाइट आपको यहाँ पे दिखाई देगी, बीच में देखोगे तो बैटरी परसेंटेज दिखाई देता है, एंड इवन हर एक ईयरबड का अलग अलग बैटरी परसेंटेज यहाँ पे शो किया जाता है। मतलब कोई एक ईयरबड ज़्यादा चार्ज है, दूसरा कम है, तो डायरेक्टली आप यहाँ से कर सकते हो। टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट मिलता है, तो भाई साहब इसको चार्ज भी मस्त तरीके से कर सकते हो। काफ़ी यूनिक सा एक डिज़ाइन आपको दिखाई देगा। इसको हमने फिफ्थ में रखा है क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी मुझे ऊपर नीचे लगी, लेकिन इसमें जो है आपको 8mm के ड्राइवर्स मिलता है, तो थोड़ी सी म्यूजिक क्वालिटी आपको फ्लैट सी दिखाई देगी, बेस वगैरह इतना ज़्यादा नहीं है। उसके साथ साथ आपको इसमें बीट्स वगैरह थोड़े से कम सुनाई देंगे, बाकी ऑल द वे नॉर्मल पर्पज़ के लिए आप यूज़ करना चाहते हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो आप मस्त तरीके से यूज कर सकते हो। 35 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलते हैं, ये इसका मेजर एडवांटेज है। एंड उसकी वजह से आप जो है ऑफिस वगैरह कहाँ पे यूज अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो, ऑफिस में जा रहे हो या फिर स्कूल में वगैरह जा रहे हो, भाई साहब आपके लिए बेस्ट हो सकता है, क्योंकि आराम से आप 35 आवर्स म्यूजिक वगैरह एंजॉय कर सकते हो। इवन जो ये गेमिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, 40 मिलीसेकंड की आपको यहाँ पे लेटेंसी भी मिलती है, तो गेमिंग वगैरह काफी बढ़िया तरीके से कर पाओगे। उसके साथ साथ इसकी प्राइस जो है लगभग आपको 1000 के आसपास मिल जाएगा, तो बजट फ्रेंडली भी है, तो काफी अच्छी तरीके से यूज कर पाओगे। ये आपको अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट के ऊपर मिल जाएगा। सारे ईयरबड्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, डायरेक्टली आप वहां से इसको परचेस कर सकते हो। तो भाई लोग अगर आपका बजट 2000 के आसपास है तो डेफिनेटली आप इसको परचेस कर सकते हो। अगर आपका बजट लगभग 1000 या फिर उसके थोड़ा सा ऊपर है तो ये वाला आपके लिए काफी बेस्ट हो सकता है, या फिर आप नॉइज को भी प्रेफर कर सकते हो। बट ये जो दो ईयरबड्स है, अगर आपका बजट 1000 के नीचे है तो भाई ये दोनों आप परचेस कर सकते हैं। सो फुलियस से वीडियो आपको अच्छा लगा होगा गाइस, वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, आपके जो भी क्यूरीज है डायरेक्ट आप वहां पे डाल दो, हम जो है आपको उसके आंसर दे देंगे। मिलते हैं अगली बार किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए एक्साइटिंग टॉपिक के साथ।